अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशंस। सो इससे रिलेटेड कई बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे कई बार वीडियोस भी भेजे कि भैया देखो ये चैनल ये क्लेम कर रहा है, ये पेपर में वाली न्यूज़ आई है, गूगल पे दिखाया जा रहा है कि एमपी बोर्ड क्लास 12th की ओपन बुक एग्जामिनेशंस होने वाली है, ये खबर पक्की है, ऐसा कई वीडियोस क्लेम कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड मुझे वैसे तो कोई वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं था, पर आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को इस वाले वीडियो में जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, मैंने इसके पहले भी ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जनरल प्रमोशन है, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, जिसमें कई बच्चों ने मेरी बात को माना, पर कई कई बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे, तो इससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। सो ओपन बुक से एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप सभी के डाउट है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने बोर्ड के जो बोर्ड डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनसे बात की है रिगार्डिंग और ओपन बुक एग्जामिनेशन, मैंने उनसे पूछा है कि क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देख लीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आपको क्या ओपन बुक एग्जामिनेशंस का मतलब पता है? ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, ओपन बुक एग्जामिनेशंस में होता क्या है। ओपन बुक एग्जामिनेशंस का मतलब ऐसी एग्ज़ाम जिसमें आपको जो आपके नोट्स है, आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी जो कॉपीज़ है जिसमें आपने पूरे नोट्स तैयार किए, वो ले जाने की परमिशन दी जाती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये चीज़ हो सकती है? क्या आपको आपकी क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपकी बुक्स है, जो NCERT बुक्स है या जो भी बुक्स है आपके पास, वो बुक्स, आपके नोट्स, ये सारी चीज़ें ले जाने दी जा सकती है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? खुद से सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो। कई बच्चों को तो उस चीज़ का आंसर यही मिल गया होगा कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको आपके बोर्ड में इतनी सारी चीज़ें ले जाने दी जाए। देखो यार, मेरे तरफ से तो पहले भी मैंने बोला था कि चीज़ ये कोई भी चीज़ इस तरह की पॉसिबल नहीं है, पर आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने बोर्ड वाले जो डिपार्टमेंट है उनसे बात किया, कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से पहले कि जो बोर्ड डिपार्टमेंट के साइड से जो वॉइस क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उतनी अच्छी वॉइस नहीं आ रही है सर की। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हेडफोन्स यूज़ कीजिए या फिर आप जो सुन रहे हैं कान पर लगा के सुनिए और वॉल्यूम को थोड़ा फुल रखिए, जिसके कारण जो सर वो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको सुनाई आए। तो आप सुन लीजिए पहले वॉइस रिकॉर्डिंग। हेलो सर, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपके अच्छे से। गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना। जी सर, मेरा नाम हर्षल सिरसे है। आप टीचर हैं? जी सर। जी सिलवान से बोल रहे हैं? हाँ जी सर। बताएं क्या जानकारी आपको? सर मुझे एक कंफ्यूजन से रिलेटेड मैंने आपको कॉल किया है सर। अभी एक्चुअली यहाँ पे ना टीचिंग डिपार्टमेंट में हो गया, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज डाले जा रहे हैं कि एमपी बोर्ड की जो एग्जाम्स है वो ओपन बुक होने वाली है। ओपन बुक एग्जाम नहीं हो सकते, बच्चों का एग्जाम ऑफलाइन में तो परीक्षा केंद्र पे होगा, बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें, पढ़ाई करें अपने। जी सर, यही मैं भी मतलब अगर समझाता हूँ तो बच्चे मुझे वीडियोस वगैरह सेंड करते हैं, तो अगर ओपन बुक हुआ तो सर मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा ना, जो बच्चे इतना पढ़ा है वैसे तो चीज़ हो भी नहीं सकती। सर बच्चों का पेपर ऑफलाइन में तो परीक्षा केंद्र पे होगा, अब बहुत समय भी कम बचा है, एक महीने मतलब कि अब तक मई लग गई है। हाँ जी सर, बच्चे पढ़ाई पे फोकस रहे सर, भ्रमित मत हो। हाँ सर, ये जो मतलब ओपन बुक हो गया, ऑनलाइन वगैरह ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना सर? नहीं सर, ऑफलाइन ही होगा सर, जैसे परीक्षा होती है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। सो कॉल रिकॉर्डिंग गाइज आपने सुन ली, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्या बोला सर ने जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सर ओपन बुक एग्जाम्स हो सकती, तो उन्होंने साफ मना करते हुए ये कहा मुझसे कि बच्चों को बोलिए कि अभी एक महीना बचा हुआ है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो पहले ही क्लियर था यार, क्लास 12th का सवाल है, यहाँ ना आपका जनरल प्रमोशन हो सकता है, यहाँ ना आपकी ओपन बुक हो सकती है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था आप लोगों को, पर आप लोग ही मुझे दिन पर दिन वीडियोज़ भेज रहे थे। स्पेशली मैं ये चीज़ उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है। गाइस भाई यार, मैं भी बहुत ज़्यादा
बिजी रहता हूँ, मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। आप प्लीज़ ये सब बेकार की वीडियोज़ में ना खुद पढ़ते जाओ ना ही मुझे शेयर किया करो। आप लोग मुझे न्यूज़ की कटिंग भेज देते हो, आप वीडियोज़ भेज देते हो। यार मैं पहले से ही बोलता हूँ कि कई चैनल्स आपको, कई नहीं बहुत सारे चैनल्स गए, जैसे बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, रोज डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। जब अभी आपको बोर्ड की कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुना दिया, तो इससे आगे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि हमारी जो ओपन बुक जैसी कोई चीज़ है वो होने वाली है। सारी डाउट मैंने इसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आप क्यों इन वीडियोज़ में पढ़ते हो, क्यों बाकी के जो वीडियोज़ आपको बोला है कि कई बार की नई आईडी बनाओ और उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपको काम की चीज़ें देते हैं। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़िए, जो चैनल आपको रोज डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको जाके अनसब्सक्राइब कर दो। बिकॉज एक महीना सर ने भी बोला आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो प्लीज़ इस एक महीने को, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको वेस्ट मत होने देना। तो आप लोगों के ही फायदे के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, एक और मैंने जनरल प्रमोशन पर भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि क्या जनरल प्रमोशन पॉसिबल है या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह आपको लिंक मिल जाएगी। उस जनरल प्रमोशन वाली वीडियो को भी देख लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लो। और आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोग आज कम से कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सको, इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। इसीलिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज़ को रेगुलरली अटेंड करते हैं, जो बच्चों ने हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ अटेंड की है वो जानते हैं कितनी ज़्यादा काम की ये सारी चीज़ें। 10 दिन के अंदर अंदर मैंने आपकी हिंदी इंग्लिश पूरी तरह से ख़त्म कराई है गाइज। जो बच्चे ने साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा था, उसने भी 10 दिन के अंदर अंदर, अगर मेरी जो टेस्ट सीरीज़ वाली वीडियोज है उनको फॉलो किया, तो 10 दिन में उनने सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो डिस्प्ले हो रहा होगा, ये मेरे टेस्ट सीरीज़ का है, जो कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए स्टार्ट की है। 3 टेस्ट हमारी हो चुकी है, कल मैथ्स की टेस्ट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं दिखाया तो अभी जो आपको थंबनेल वीडियो का दिखाया, मैंने एक और बार दिख रहा होगा आपको वीडियो, इसमें मैंने बताया है आपको पूरा टाइम टेबल मेरी टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें कि हम 21 डेज़, ओनली 21 डेज़ में अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर देगी सिर्फ 21 दिन में। बस आपको करना क्या है, इन टेस्ट सीरीज़ की वीडियोज़ को फॉलो करना है, जो मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ उस चीज़ को पढ़ना है, अगले दिन उसका आके टेस्ट देना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उन टेस्ट में और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।